हाँ जी बेटा, इस तो पहला वाले लेक्चर च असी डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस, तो उस दे नाल ही रिलेटेड टर्म है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी नूं असी कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है, ठीक है, और उस दिया तीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ने और तिना की एनर्जी है E1, E2 and E3 एंड दिस इज़ योर एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। तो इन तिना के बेटा स्टेबल कीड़ी सब तो ज़्यादा होएगी, जिसकी एनर्जी सब तो घट होएगी, दैट इज़ E3। सो रेजोनेंस एनर्जी इज़ E3 - E0। ठीक है, इसनों असी कहने रेजोनेंस एनर्जी। नैक्सट इज़ योर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। एक तो आप बेटा उस दिन डिस्कस किया कंडीशंस और करैक्टरिस्टिक्स के बीच फर्क है। नैक्सट टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। द फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स do not have real existence. ठीक है, second, as a result of resonance, the bond lengths become equal, जिदा कि असी गल की सी ओजोन दी और कार्बन डाइऑक्साइड दी। थर्ड, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। एंड लास्ट, इट इज प्योरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। So these are the features of resonance. Because of resonance, all the bond lengths become equal. More is the resonance energy, more will be the stability. Out of all contributing structures, resonance hybrid is the most stable form, and it is purely a theoretical concept. There is no experimental proof behind resonance. ठीक है, with this बेटा our resonance topic is completed. Next is bond parameters. Next topic is bond parameters. So first bond parameter hai toda bond length.
बॉन्ड लेंथ, अगर असी पंजाबी दे विच देखिए बेटा, जदों भी दो एटम्स आपस दे विच कंबाइन करते हैं तो उन्हां दे विच बॉन्ड बनती है, चाहे वह आयनिक बॉन्ड है और चाहे वह कोवलेंट बॉन्ड है। तो उस बॉन्ड की जिन्नी लेंथ होंगी है उसनों असी कहने हैं बॉन्ड लेंथ। बट आप इस डिफाइन किवें करना है, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल। तो किवें डिफाइन करें अपन, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, या तुसी कह सकते हो बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हुण फॉर एग्जाम्पल साडे कोल कोई मॉलिक्यूल है बेटा, उस दे विच दो एटम्स जुड़े हुए ने ए एंड बी। ठीक है, तो इना दे जो आ सेंटर्स ने बेटा, इना दे विच जो यह डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस नूं असीं की कहने आ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मान लो कि इस बॉन्ड लेंथ नूं मैं रिप्रेजेंट कर रही हाँ कैपिटल आर नाल, और ए तुहाडा कोई एटम है ए और ए है बी। तो हुण अगर असी सिर्फ इन्ने डिस्टेंस की गल करिए, तो ए की है रेडियस ऑफ एटम ए और दूसरा की है रेडियस ऑफ एटम बी। सो वी कैन डिफाइन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो एज इट इज़ द सम ऑफ कोवलेंट रेडियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो इस एटम की रेडियस ए होगी बेटा आर ए, और इस एटम की रेडियस ए होगी बेटा आर बी। तो इन दोनों का जो असी सम लै लें वो की बन जाती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, हाँ जी, बट अगर ये तो सी बेटा कोवलेंट रेडियस के चक्कर के, ठीक है, जो इन्हों के बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग। बट अगर असी गल करिए वॉन्डरवॉल रेडियाई की, वॉन्डरवॉल रेडियस, ठीक है, वॉन्डरवॉल रेडियस थोड़ा जहा डिफरेंट है। वॉन्डरवॉल रेडियस नू असी किवें डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम्स ऑफ टू सेम एडजेसेंट एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। की है बेटा, ये वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एडजेसेंट एटम्स टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, हुण इसनों समझने लिए मान लो कि साडे कोल देखो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स का मतलब सानू एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल्स की गल करनी पेगी। तो लैट इट बी कि तुहाडा नेबरिंग मॉलिक्यूल, एक तो मॉलिक्यूल असी लै रहे फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज योर सैकेंड मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो कि ये तुहाडे मॉलिक्यूल्स ने H2, तो ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का। तो वॉन्डरवॉल रेडियस की है, जेड़ा इन्हां दे सेंटर्स दे विच डिस्टेंस है,
It is defined as one of half of the distance between two same adjacent atoms of two neighboring molecules. Means जो थोड़ा बेटा आम वाला डिस्टेंस है, ठीक है, इधर जो हाफ डिस्टेंस होएगा, ठीक है, उसनों असी की कहवांगे वॉन्डरवॉल रेडियस. ठीक है, समझ आई? हूँ जे असी गल कर रहे सी बेटा कोवलेंट रेडियस की, तो कोवलेंट रेडियस की सीगा कि आ जिहड़ा मॉलीक्यूल है तो ए वाला जिहड़ा डिस्टेंस है इसका वनथ, इसका हाफ, सिर्फ ए वाला जिहड़ा आ वाला रेडियस है बेटा, इसनों तो क्या जाता है कोवलेंट रेडियस. ठीक है, और बेटा जिहड़ा आ वन हाफ डिस्टेंस मैं कह रही हाँ, दिस विल बी योर वॉन्डर वॉल्स रेडियस. तो आपां नूं देख के ही पता लग रहा कि जिहड़ा रेडियस ज़्यादा है वॉन्डरवॉल रेडियस. ठीक है, तो इस करके जिहड़े मॉलीक्यूल्स दे विच सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होंदियां ने वह की होंदा मॉलीक्यूल वीक होंदा. ठीक है, बाकी ट्रेंड उही है बेटा कि कोवलेंट रेडियस है जिहड़ा तुहाडा अलोंग अ पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप की है तुहाडा इनक्रीज करता है. ठीक है, हुण नैक्सट फैक्टर है कि बॉन्ड लेंथ नूं किहड़े किहड़े फैक्टर्स फर्दर डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है थोड़ा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. तो फर्स्ट फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी का मतलब की होंगे कि मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. ये चीज़ा शायद उसी नाइनथ टेंथ पढ़िया हो बेटे, इन्हों आप एलकेन्स कहने एलकीन्स एंड एलकाइंस. यदी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कि बेटा वन, यदी कि टू एंड यदी कि थ्री. तो बॉन्ड लेंथ में यह किमें अफेक्ट करते हैं, With increase in bond multiplicity, the bond length goes on decreasing. ठीक है, जिमें जिमें bond multiplicity बढ़ती है बेटा, bond length decrease करती है. So order of बॉन्ड लेंथ इज कार्बन कार्बन सिंगल दी सब तो ज़्यादा है, दैन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दैन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सेकेंड आ गया बेटा फैक्टर साइज ऑफ एटम. विद द इंक्रीज इन the size of atom, bond length goes on increasing. ठीक है बेटा, हुण मान लो कि असी ग्रुप की गल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल असी कर लिया 14th ग्रुप मैं लै रही हाँ. द फर्स्ट मैंबर है कार्बन दैन सिलीकॉन. ठीक है, जो मैं सिर्फ दो मैं उस बाद हूँ वैसे जर्मेनियम. तो हूँ ये सब तो छोटा साइज किसका है कार्बन का, फिर सिलीकॉन का, दैन जर्मेनियम का. ठीक है, तो यदा मतलब सब तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसती आ जाएगी जर्मेनियम की. तो जो जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्डिंग बनेगी वो सब तो ज़्यादा होएगी, उस तो घट होएगी सिलीकॉन सिलीकॉन और उस तो घट होएगी कार्बन कार्बन. सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ. फर्स्ट इज योर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी द बॉन्ड लेंथ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. सेकेंड, विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम द बॉन्ड लेंथ ऑल्सो गोज ऑन इनक्रीजिंग. सिप जिसका साइज सब तो व्डा है बेटे, वो बॉन्ड लेंथ सब तो ज़्यादा होएगी. सो दिस वॉज योर फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज योर बॉन्ड लेंथ. सेकेंड इज योर बॉन्ड एंगल.
bond angle. So what do you mean by bond angle? So it can be defined as the average angles between the orbitals containing bonded electron pairs in any molecule. ठीक है, किवें डिफाइन करते हैं आपां इनू, एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन एनी मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल असी मिथेन की गल करिए, मिथेन दे विच कार्बन दिया चार बॉन्ड्स बनिया हुई ने बेटा, एंड दिस शेप इज़ नोन एज योर टेट्राहेड्रल शेप. जे असी वाटर की गल करिए, सो दिस इज़ द शेप ऑफ वाटर, ऑक्सीजन हैविंग टू लोन पेयर. सिमिलरली अमोनिया, इट इज़ हैविंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर. तो बेटा आ जिहड़े सारियां बॉन्ड पेयरस दे विच जो एंगल हुंदा है, बेटा एक्चुअली ये जिहड़ी बॉन्ड है मैं तो थोड़ी जी गलत ड्रॉ हो गई, ये थिक चाहिए. ठीक है, तो ये जिहड़े सारे एंगल्स बन रहे ने बेटा, इहदा जो एवरेज एंगल है ये किन्ना हुंदा है, 109.5 degrees. ठीक है, ये विच घट जाता है, ये हुंदा 104 degrees के आसपास, और ये हुंदा तकरीबन 107 degrees के आसपास. तो ये जिहड़े एंगल्स हुंदे ने इन्हां नूं आपां की कहिंदे आ, बॉन्ड एंगल. ठीक है, बट दिस वॉज योर सैकेंड बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज़ योर बॉन्ड एंगल. नैक्सट इज़ योर बॉन्ड एंथैल्पी, थर्ड इज़ योर बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड एंथैल्पी नूं असीं किवें डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन द गैसियस स्टेट. ठीक है, जिन्नी एनर्जी सानू चाहिदी हुंदी है किसी खास बॉन्ड नू तोड़न लई, और वो बॉन्ड आदे विच बनी हुंदी है बेटा, बिटवीन द डिफरेंट एटम्स इन द गैसियस स्टेट, तो वो जिन्नी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ योर कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, और वी कैन ऑल्सो से एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, BDE. ठीक है, हुण इत्थे वर्ड यूज़ किया गया एवरेज. मान लो कि असी CH4 की ही गल करते हैं. ठीक है, CH4 का मतलब है कि कार्बन दे कोल चार बॉन्ड्स ने हाइड्रोजन से नाल बनिया हुई. ठीक है, मान लो कि असी पहला इस बॉन्ड नू ब्रेक किया, तो साढ़े कोल की आया CH3 विद पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नाल इत्थे सानू कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेट इट बी डेल्टा H1. इत्थे एक H जिहड़ा थोड़ा वो रिलीज़ हो गया, मान लो कि मैं एज नैगेटिव रिलीज़ करता. हुण नैक्सट टाइम थोड़े कोल की है बेटा CH3. हुण असी इस दे विच्चों एक हाइड्रोजन होर करता अलग, तो हुण सानू एनर्जी की जरूरत पई डेल्टा H2. फिर अगला अलग किया CH, इत्थे सानू एनर्जी की लोड़ पई डेल्टा H3. अल्टीमेटली असी की करता सी
और सानू इत्थे एनर्जी की लोड़ पई डेल्टा एच फोर। ठीक है, तो आ जिहड़ियां चारों एनर्जीज ने बेटा डेल्टा एच फोर थ्री टू एंड वन, ठीक है, दीज आर डिफरेंट। डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री एंड डेल्टा एच फोर आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज। इहदा की मतलब है, कहिंदे मान लो कि तुहानूं इत्थे बॉन्ड ब्रेक करन लई 100 किलो जाउल एनर्जी प्रोवाइड करनी पई। हो सकदा इत्थे तुहानूं 90 चाहीदी होवे, इत्थे तुहानूं लोड़ पई होवे 70 दी, और इत्थे तुहानूं लोड़ पई होवे 40 दी। मीन्स असीं इह नहीं कह सकदे कि अगर कार्बन दे कोल चार सेम बॉन्ड्स ने तां सानूं चारां नूं ब्रेक करन लई सेम एनर्जी चाहीदी होएगी। नो, ठीक है, हरेक दी एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। देखो बेटा, इहदा रीज़न की हुंदा, जो आपां एक हाइड्रोजन नूं अलग करता, हुण कार्बन दे अराउंड जो एटमोसफियर, एटमोसफियर या कह लो कि जो उहदी बॉन्डिड स्टेट है, वह पहला नालों डिफरेंट हो चुकी है, तो इस करके नैक्सट हाइड्रोजन नूं सैपरेट करन लई सानूं कोई होर एनर्जी चाहीदी है। उस तो बाद फिर चेंज होगी, फर्दर फिर चेंज होगी। मीनस जिवें जिवें असी एक एक बॉन्ड नूं तोड़ी जा रहे हैं, साडे जिहड़ा इनवायरमेंट चेंज होण करके अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मीनस कार्बन, ठीक है, तो वह जो इनवायरमेंट है वह सेम नहीं रहिंदा। वह इनवायरमेंट चेंज होने दे करके जिहड़ियां उन्हां दी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ने वह अलग अलग हो जांदियां ने। तो फिर असी इत्थे बॉन्ड एनथैल्पी किवें कटांगे, तो इस केस दे विच असी बॉन्ड एनथैल्पी नूं लिखदे हां। सो इन दिस केस बॉन्ड डिसोसिएशन एनथैल्पी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर डिवाइडेड बाय फोर। जिन्हियां बॉन्ड्स ब्रेक कीतियां ने बेटा उसकी असी एवरेज काढ लेनी है, दैट विल बी योर बॉन्ड डिसोसिएशन एनथैल्पी, और यू कैन सिंपली से बॉन्ड एनथैल्पी। सो नेक्स्ट फैक्टर इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनथैल्पी। सो फर्स्ट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting the bond dissociation energy or bond dissociation enthalpy. First is bond length. Bond length nal kitna more is the value of, more is the value of bond length, lesser will be the bond dissociation energy। देखो बेटा, हुण तुसी वैसे सोच के देखो कि आपां गल कर रहे हैं कि एक बॉन्ड है इन्नी लंबी, मान लो कि दूसरी बॉन्ड, चलो आपां सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले की गल करते हैं, ठीक है, असी सैकेंड ले ली मान लो सोडियम क्लोरीन दे विच, ठीक है, और थर्ड मैं ले ली लेट इट बी एन ए बी आर दे विच। तो हम देखन दे विच सब तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस दी लग रही है, कार्बन कार्बन, दैन सोडियम क्लोरीन, दैन सोडियम ब्रोम, ठीक है। तो मोर इज़ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ, लैसर विल बी द, हम देखो जिहड़ी चीज़ जिन्नी लंबी हुंदी है ऑलमोस्ट वह उन्नी ही वीक हुंदी है, तो इनू ब्रेक करना सब तो ईजी है, फिर इस तो बाद इनू और फिर इस तो बाद इनू। मीन्स जिन्नी बॉन्ड लंबी होएगी, जिन्नी बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होएगी, उनू ब्रेक करना उन्ना ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जे उनू ब्रेक करना उन्ना ही ईजी हो जाएगा, मीन्स वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू भी उन्नी घट होएगी। सेकेंड असी पॉइंट बना सकते हैं, बॉन्ड
मल्टीप्लिसिटी, उन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मोर इज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मोर इज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, द मोर विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हम देखो बेटा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी। हूँ ही आप इस तो पहला वाले पैरामीटर पढ़े है कि जिमें जिमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी वधदी है, बॉन्ड लेंथ घटती है। मीन सब तो घट बॉन्ड लेंथ की दी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दैन सी डबल बॉन्ड सी, दैन सी सिंगल बॉन्ड सी। जे इस दी बॉन्ड लेंथ की है बेटा, बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम, सब तो घट है इसकी बॉन्ड लेंथ। तो जे बॉन्ड लेंथ घट है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होएगी। तो यह मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है दैन डबल बॉन्ड दैन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर है जोड़ा अपना इफेक्ट करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नू, दैट इज साइज ऑफ एटम। मोर इज़ द साइज ऑफ एटम, लेसर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि देखो बेटा, जिन्ना एटम का साइज वधदा जाएगा उन्नी उसकी बॉन्ड लेंथ भी वधदी जाएगी, तो जे लेंथ वध जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स ने जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू नू। फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ, सैकेंड इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, एंड थर्ड इज योर साइज ऑफ एटम। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा। साइज ऑफ एटम ज़्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू घट होएगी। तो लास्ट पैरामीटर है थोड़ा बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर नूं असीं किवें डिफाइन करते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल। किवें डिफाइन करते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल जे असी गल करिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो हुण इहदे बॉन्डेड एटम्स कौन ने बेटा? दो नाइट्रोजन, इसके बॉन्डेड एटम्स ने दो ऑक्सीजन, इसके दो बॉन्डेड एटम्स ने दो क्लोरीन। तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है किन्निया नंबर ऑफ बॉन्ड्स ने? 1, 2, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा 3। ठीक है, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली की है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल। एक चीज़ तुसी याद रखनी है, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ एंड मोर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन्स जिन्ना बॉन्ड ऑर्डर वधी जाएगा उन्नी उसकी बॉन्ड लेंथ घटूगी, और अगर बॉन्ड लेंथ घटूगी तो बेटा उसनू तोड़ना उन्ना ही औखा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसी कार्बन कार्बन की भी गल करिए बेटा, तो सब तो ज़्यादा
जिहड़ा बोंड ऑर्डर है किस तरह कार्बन ट्रिपल बोंड कार्बन दैन कार्बन डबल बोंड दैन कार्बन सिंगल बोंड तो ये सब तो ज़्यादा ब्रेक करना किनू औखा है कार्बन ट्रिपल बोंड कार्बन नू जिन्ना बोंड ऑर्डर ज़्यादा उन्नी बोंड डिसोसीएशन एनर्जी भी ज़्यादा मीनस ए बोंड है जिहड़ी वो स्ट्रोंगेस्ट है स्ट्रोंगेस्ट बोंड है और ए की है तुहाडी weakest bond ठीक है बेटा so this is all about your bond parameters ठीक है बेटा in the next lecture we will start with a new topic thank you बेटा